स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो WTC फाइनल में जो हुआ, अब वक्त है उससे आगे निकलने का, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करने का। और अपनी तैयारी के साथ साथ हमें दूसरी हर एक टीम की परफॉर्मेंस पर भी नज़र रखनी है। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज को खेलने हैं 5 T20 मैचेस, जिसका पहला मैच खेला जाएगा आज। और अगर T20 और वेस्टइंडीज का नाम साथ में आता है तो एक्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पावर हिटर्स एक से एक होते हैं। और आपको करना ये है कि रियल 11 पर आपको रजिस्टर करना है, अपनी टीम बनानी है और खेलना है और खूब सारे पैसे कमाने हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स तक फैमिली के सच्चे लॉयल मेंबर हैं तो आपको पता होगा, जब भी ऐसा कोई कॉन्टेस्ट की बारी आती है तो स्पोर्ट्स तक की ये जो टीम है इसमें सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है एक आदमी, और उनको मैं पकड़ के ले आई हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से प्लेयर्स रखने हैं इस मैच में अपनी 11 में। तो फटाफट चलते हैं जेजे, अब आप शुरू हो जाइए। कि सबसे पहले राशिका की जो T20 क्रिकेट की बात आती है, वहाँ वेस्टइंडीज का दबदबा हमें देखने को मिल जाता है। साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम है, रीबिल्डिंग फेज में है, बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं उस टीम में। लेकिन T20 मुकाबले के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी लगता है। और अगर पिक करने की बात करें तो वेस्टइंडीज से एक दिग्गज नाम है। अगर मैं कुछ नाम अगर गिनाऊं आपको तो लिंडल सिमंस, एवन लुइस, क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड, निकोलस पूरन, जेसन होल्डर, एंड्रे रशल, ड्वेन ब्रावो, खिलाड़ियों जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो T20 स्पेशलिस्ट गिने जाते हैं, वो खत्म ही नहीं होते हैं। हाँ। अगर आप देखें तो ये 8 खिलाड़ी मैंने गिना दिया और 3 खिलाड़ी रहते हैं। हाँ। जो 11 में खेलेंगे, तो आपको 11 बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत जो आने वाली है। हाँ, वो यही पॉइंट्स। और आप 8 और 3 का कॉम्बिनेशन तो नहीं ले सकते ना, आपको एक टीम से कम 6 या 7 खिलाड़ी चूज करने पड़ते हैं। तो अगर मैं वेस्टइंडीज की बात करूँ, 3 खिलाड़ियों, 3 से 4 खिलाड़ी मैं पिक करता हूँ। 3 खिलाड़ी अगर पिक करूं तो मैं ओपनर लिंडल सिमंस को लूंगा, क्रिस गेल मेरी टीम में होंगे, कैरन पोलार्ड होंगे। इसके अलावा एक और जो नाम मैं लेना चाहूंगा, जेसन होल्डर का लूंगा। आंद्रे रसल को बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैंने नहीं लिया, तो क्योंकि मुझे लगता है कि जेसन होल्डर गेंद और बल्ले से ज्यादा दोनों, अगर आपको आंद्रे रसल के साथ वो फैक्टर है कि अगर चल गए, देखिए इस टीम में सारे खिलाड़ी वैसे हैं जो चल गए, निकोलस पूरन है, अगर चल गए तो उनका भी है। हाँ। क्रिस गेल को आप छोड़ नहीं सकते, चल गए तो उनका भी है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा चूज करना पड़ेगा। अगर आपको आंद्रे रसल को लेना है तो आपको क्रिस गेल को छोड़ना पड़ेगा शायद। और अगर साउथ अफ्रीका स्क्वाड की बात करें तो बल्लेबाजी में पलड़ा वेस्टइंडीज का भारी है, बट साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी मजबूत है। अगर बात करें तो इनके पास 3 पेसर हैं, तीनों ही कमाल के हैं, रबाडा, नोकिए और एनगीडी। तो दो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, कि बोलर्स आप यही पिक कर सकते हैं। दो पेसर मैं पिक करूंगा, नोकिए और रबाडा को। इसके अलावा एक जो बैट्समैन अगर मैं पिक करूं तो क्विंटन डिकॉक होंगे मेरी टीम में, और मेरी टीम में जानेमन भी होंगे। जानेमन को जरूर रखिएगा आप लोग अपनी टीम में। आप लोग कुछ गलत मत सोचिए, ये जानेमन मलान की बात कर रहा हूं। जानेमन मलान हाल फिलहाल में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि वंडर डसन अभी हैं, मेरी टीम में भी वो होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में उनका परफॉर्मेंस जो है साउथ अफ्रीका के लिए काफी अच्छा रहा है। बट आपको 11 खिलाड़ी चूज करने, तो समझदारी के साथ थोड़ा सा पॉइंट्स देखते हुए। तो आपकी टीम में यही सारे प्लेयर्स रहने वाले ना? हाँ, पक्का मेरी टीम में ये प्लेयर हैं। तो आज और मैं और हमारे जो लोग हैं वहां पर वो पैसे कमा रहे हैं ना? आपके पास पूरा मौका है, रियल 11 से आप कमाई अच्छा खासा कर सकते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जाइए, फटाफट अपनी टीम बनाइए और बहुत सारे इनाम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है रियल 11 का, वहां पर आपको जाना है, सीधा आप उस पेज पे लैंड करेंगे, फटाफट अपनी टीम बनाइए। टीम में आपको कौन सी प्लेयर्स पिक करने वो ऑलरेडी आपको पता चल ही गया है। और अगर आप पैसे कमाते हैं, कुछ फायदा होता है या नुकसान भी होता है, तो Jay.Jaiswal5 और राशिका राजपूत 01 हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अगला हम प्रीव्यू फिर आपके साथ लेकर जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त आपको रियल 11 पर फटाफट जाना है और अपनी टीम बनानी है। होशियारी से टीम बनाइएगा रियल 11 पर। We'll be right back.